बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें देर रात भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदौरिया में कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के कोरोना संक्रमित पाए जाने से सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों मंत्री बनने के बाद अरविंद भदौरिया भिंड, ग्वालियर और भोपाल में लोगों के सीधे संपर्क में आए। सहकारिता मंत्री भदौरिया बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही वे लखनऊ में राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही वे विशेष विमान से अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। अब इनके संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियात के लिए क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है और सभी की कोरोना जाँच भी की जाएगी। अरविंद भदौरिया के पहले कई विधायक और नेता कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, जबलपुर से लखन गनगोरिया, सिरमौर से विधायक दिव्यराज सिंह भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं और कुछ का अब भी इलाज चल रहा है। अरविंद भदौरिया ने भी उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। नमस्कार, मैं अरविंद भदौरिया, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। हालांकि कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी एहतियात के तौर पर हल्की सी गले में खराश थी। मैंने कल टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट आई है। देर रात करीब 12:30 बजे मुझे प्राप्त हुई है। मैं रात को स्वयं भी हॉस्पिटल आकर भर्ती हो गया हूँ और ईश्वर की कृपा से अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझसे जो हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं, आप भी अपना कोविड टेस्ट कराएँ, घबराएँ नहीं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जो सरकार के नियम हैं, जो रूल रेगुलेशन है कोरोना से संबंधित, उनका फॉलो करें। वो जल्दी ठीक होके आऊँगा। सभी के साथ लंबे समय राष्ट्रकार करना है, समाजकार करना है, पार्टीकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।